అఖండ మండలాకారం వ్యాప్తం యేన చరాచరం తత్పదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీ గురువే నమః తస్మై శ్రీ గురువే నమః. అర్హంత వితరాగ్ పరమాత్మా నిర్గ్రంథ ఆప్త జ్ఞానీ సద్గురుదేవ్ ఏవం ఆగమ వాణీ కో భావమయ వందన నమన్. जय हो. आज कार्तिक मास की पूर्णिमा है. बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है और जैसा कि हम सभी लोग जानते ही हैं कि आज के दिन चातुर्मास के चार महीने सावन भादवा अश्विन और कार्तिक ये चार मास पूर्ण हो गए हैं. आज के दिन क्रांतिकारी वीर लोकाशाह जयंती है. वीर लोकाशाह क्रांतिकारी के नाम से प्रसिद्ध हुए क्योंकि उन्होंने अपने समय में जो धर्म के नाम पर कुप्रथाएं चल रही थी, आडंबर था, बाहरी दिखावा था, प्रदर्शन था, उन सभी कुरीतियों से समाज को मुक्त होने की दृष्टि दी थी. इसीलिए उन्हें क्रांतिकारी वीर लोकाशाह कहा जाता था. आज ही के दिन यानी कि कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है. आज के दिन गुरु नानक देव जी जो कि सिखों के प्रथम गुरु थे, सिख धर्म के संस्थापक थे, उनका जन्म दिवस है और इसीलिए आज कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु पूरब या गुरु प्रकाश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है. गुरु नानक देव जी भी अपने समय में बड़े ही क्रांतिकारी महापुरुष हुए हैं. उन्होंने अपने समय में देखा कि धर्म को कुछ लोगों ने अपने अधिकार की वस्तु बना लिया है और जाति के नाम पर या और भी अनेक अनेक तरीकों से कुछ लोग समाज के अन्य वर्गों के लोगों के साथ में बड़ा ही भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं और इस तरह से उन्होंने समाज के अंदर एक विषमता क्रिएट कर दी है. इसीलिए उन्होंने तत्कालीन समय में बड़े बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन किए थे. गुरु नानक देव जी ने ही लंगर परंपरा प्रारंभ की थी जहां पर समाज का नीची जाति का समझा जाने वाला जो अछूत कहलाता है, जो अनटचेबल है, अस्पृश्य है, जिसे समाज के उच्च वर्ग के लोग छूना भी अपराध समझते हैं, ऐसे लोग भी उस लंगर के अंदर उच्च जाति के लोगों के साथ एक पंक्ति में बैठकर भोजन कर सकते थे. ये उनका बड़ा ही क्रांतिकारी कदम था. इसी के साथ गुरु नानक देव जी ने जातिगत विषमता को दूर करने के लिए संगत प्रथा का भी प्रारंभ किया. उन्होंने संगत की परंपरा की शुरुआत करी. संगत के अंदर सभी जाति के लोग एक साथ होकर के जुड़ सकते थे और एक साथ जुट करके संगत के अंदर वे सभी प्रभु का नाम स्मरण करते थे, प्रभु की आराधना ईश्वर की उपासना करते थे. इस तरह से गुरु नानक देव जी ने एक ऐसे धर्म की स्थापना की जहां पर धर्म या जाति के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव मान्य नहीं था. गुरु नानक देव जी अपने बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के रहे थे. उनके पिता ने उन्हें कृषि में और फिर व्यापार में भी लगाना चाहा, लेकिन व्यापार करते करते भी कहते हैं वे तो व्यापार के समय में भी प्रभु के स्मरण में खो गए थे और उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं समाज को दी जिनमें मुख्यतया तीन शिक्षाएं थी. सबसे पहली नाम जपो. उन्होंने समाज को कहा कि हर व्यक्ति को हर दम प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए. ईश्वर का नाम स्मरण सबको हर पल हर घड़ी करते रहना चाहिए. दूसरी महत्वपूर्ण उनकी शिक्षा थी कीर्त करो, यानी कि हर व्यक्ति को अपना अपना काम करते रहना चाहिए. हर एक व्यक्ति को अपनी मेहनत से और ईमानदारी से अपनी कमाई अर्जित करनी चाहिए, अपनी आजीविका का उपार्जन करना चाहिए, बुरे कामों से बचकर रहना चाहिए और ना ही किसी को सताना चाहिए. उनकी तीसरी महत्वपूर्ण शिक्षा थी वंड छको, यानी कि बांट करके खाओ. जो कुछ भी हमने अपनी मेहनत से कमाया है उसे हमें ज़रूरतमंदों को दे देना चाहिए. समाज में
जिन लोगों को भी अति आवश्यकता है, जो जरूरतमंद लोग हैं, हमें अपनी कमाई से उनके लिए भी कुछ करना चाहिए, उन्हें भी दान देना चाहिए। इस तरह से उनकी ये कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं और उन्होंने अपने पूरे जीवन में स्त्री और पुरुषों की समानता की बात करी। वे कहते थे, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी एक समान हैं, सभी में वही ईश्वर का निवास है, सभी में एक ही ईश्वरीय तत्व प्रकट हुआ है। और वे अपने जीवन भर हिंदू और मुस्लिम की एकता का समर्थन करते रहे। उन्होंने सबको भाईचारे की शिक्षा दी थी। कहते हैं, सभी सयाने एक मत। इस उक्ति के अनुसार जो भी समझदार लोग हैं, जो भी ज्ञानी हैं, वे सभी एक मत के होते हैं, यानी कि उन सभी का अनुभव एक समान होता है। सभी ज्ञानियों का अनुभव लगभग एक सरीखा होता है और सबकी शिक्षाएं भी एक जैसी ही होती है। सभी ज्ञानियों ने हम सबको परस्पर एकता का, समानता का ही संदेश दिया है। जैन धर्म के तीसरे अंग सूत्र स्थानांग सूत्र का प्रारंभिक सूत्र ही यही है, एगे आया। यह सूत्र भी यही कहता है कि सब एक आत्मा है, एक आत्मा की ही बात करता है ठाणांग सूत्र का पहला सूत्र। और न सिर्फ पहला सूत्र, आगे कहा इक्का मनुष्य जाई, यह पूरी मनुष्य जाति एक है, हम सब एक हैं। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है, वह व्यक्ति आत्मज्ञान की राह पर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि सभी ज्ञानियों का यही अनुभव सिद्ध कथन है कि यहाँ हम सब एक हैं, कोई किसी से जुदा नहीं है। और उन्होंने हम सब अज्ञानियों को भी यही दृष्टि देने का प्रयास किया, यही नज़रिया वे हमको देते हैं कि हम किसी को भी अन्य ना समझें, यहाँ कोई अलग है ही नहीं, सभी के भीतर वही ईश्वरीय तत्व मौजूद है, सबकी आत्मा एक समान है। जब हम इस दृष्टिकोण को विकसित कर पाएंगे, तभी हम सभी प्रकार के भेदभावों से मुक्त हो पाएंगे और तभी हमें ज्ञानियों के ये कथन, उनकी ये शिक्षाएं हमारे जीवन में हमें समझ आ पाएगी। हमें जो ज्ञानियों ने यह नज़रिया दिया है कि हम सबको एक समान समझें, सभी को आत्मवत महसूस करें, जैसे हम हैं वैसे ही दूसरे भी सभी हैं, हम में और तुम में कोई भेद नहीं है, फिर हम जो ये इतने भेदभाव करते हैं, चाहे वह जाति के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो, लिंग के नाम पर हो, संप्रदाय के नाम पर हो, सोशल स्टेटस के नाम पर हो, ये सभी भेदभाव जब तक हमारी दृष्टि में रहेंगे, तब तक हम आत्मज्ञान की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। और जब तक हम सब अलग अलग मानते रहेंगे, जब तक हम सबको अलग अलग देखते रहेंगे, जुदा जुदा समझते रहेंगे, तब तक हम यही कहते रहेंगे कि यहाँ सब अलग अलग है, सबको अपने अपने मतलब से मतलब है, सब अपने अपने स्वार्थ से परस्पर जुड़े हैं, बाकी तो कौन किसका है, सब अपने अपने हैं। ये बात कहने वाला व्यक्ति हमेशा द्वंद्व में जीता चला जाएगा, उसके जीवन में हमेशा उलझने मौजूद रहेगी और भी वह उलझनों को बढ़ाता ही चला जाएगा, क्योंकि उसकी दृष्टि में परस्पर अन्यत्व बना है, वह सबको जुदा जुदा समझता है और सबको जुदा जुदा समझने के कारण फिर किसी को अपना बनाना चाहता है, किसी का प्रेम पाना चाहता है, कोई तो फिर उसके लिए अपना होता है और कोई उसके लिए पराया हो जाता है। इस तरह से द्वैत का निर्माण हो जाता है और यही द्वैत जीवन में द्वंद्वों को पनपाता है, कन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट करता है और इसी कन्फ्लिक्ट के कारण हम सब का जीवन दुखमय है। दुख सारे इसी द्वंद्वात्मक नज़रिए के कारण है। आज से हम लोग ज्ञानियों के इस कथन को अपने जीवन में समझें, अपनी दृष्टि को सम्यक बना लें कि यहाँ पर सब एक ही हैं, हम सब एक हैं। इस दृष्टिकोण का विकास करके हम सभी अपने अपने कर्तव्य कर्म को करते चले जाएं। यही गुरु नानक देव जी की दूसरी शिक्षा थी कि किरत करो। वे कहते थे कि समाज में सभी लोगों को अपना अपना काम करना चाहिए, अपना अपना कर्तव्य का
का पालन करना चाहिए। उन्होंने किसी को भी अपने दायित्व का त्याग न करने की सलाह दी। उन्होंने हमेशा ही सबको अपनी अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करने की शिक्षा दी। सबको अपने दायित्व का पालन करना ही चाहिए। यही ज्ञान आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव ने सम्मतम सूत्र में दिया। समकित नजरिया हम सब के भीतर कैसे पनपे, कैसे प्रकटे, हम सभी कैसे समकित हो पाए, उसके लिए जो उन्होंने सूत्र दिए उनमें एक सूत्र है, कर्तव्य पालन के प्रति कोई प्रमाद व पलायन ना हो। उन्होंने भी हमें यही ज्ञान दिया कि हर एक व्यक्ति को अपने अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए। कर्तव्य पालन में कोई भी प्रमाद, कोई भी तरह का आलस नहीं होना चाहिए और कोई भी पलायन ना करे। हमें भागना नहीं है अपने अपने कर्तव्यों से। अन्यत्र जो डेली मॉर्निंग प्रेयर्स हैं उसमें गुरुदेव कहते हैं, नाम करना हो कभी कर्तव्य निज से, ना कभी आलस हमें बेहोश कर दे, हो बड़ा छोटा सभी को मान देवे, जो भी जैसा भी मिले बस प्यार कर ले। गुरुदेव कहते हैं, ना मुकरना हो कभी कर्तव्य निज से, अपने कर्तव्य से कभी भी हमें मुकरना ना हो, हम कभी अपने कर्तव्य से मुकरे नहीं, पीछे ना हटें, और ना कभी आलस हमें बेहोश कर दे, कभी भी हम पर इतना आलस ना छा जाए कि हम अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटीज को करने में ही प्रमाद कर दें, अलसा जाए, ऐसा हमारे साथ कभी भी ना हो। और हम सभी, चाहे फिर वह बड़ा हो या छोटा हो, सबके साथ प्रेम पूर्ण पेश आए, सबके प्रति प्रेम की भावना से भरे रहें। जब हमारे भीतर सबके प्रति प्रेम भाव होगा तो हमारे भीतर एक और दृष्टि विकसित होगी, जिसको उन्होंने आत्म मंत्र में संजोया है। उन्होंने वहां पर कहा, यत्ना विनय सेवा सरलता प्रेम में सबसे करूं, मिल बांट कर हर सुविधा भोगूं, लघु किसी को ना करूं। बड़ा ही गहरा सूत्र है कि मिल बांट कर हर सुविधा भोगो। जब हम सबके प्रति प्रेम पूर्ण होंगे तो हमारे भीतर ये दृष्टि विकसित होगी कि हमें सबका, सबको मिल बांट कर अपनी सुविधाओं का भोग करना है। गुरुदेव ने बताया कि हमें अपने जीवन में जो भी सुविधा मिली है, जो भी वस्तु मिली है, जो भी साधन मिला है, जो भी सामग्री मिली है, जो भी कंफर्ट्स मिले हैं, या जो भी हमें अधिकार प्राप्त हुए हैं, हमें उन सभी को अपने साथियों के साथ शेयर करना चाहिए। हमें उन सभी को मिल बांट कर उपयोग करना चाहिए। जीवन में जो हम सबके भीतर परिग्रह की संज्ञा है, उस परिग्रह की संज्ञा को दूर करने का, परिग्रह की संज्ञा से मुक्त होने का उपाय भी गुरुदेव ने यही बताया कि हम सब अपनी हर सुविधा को मिल बांट कर उपयोग में लें। और यही गुरु नानक देव जी की तीसरी और महत्वपूर्ण शिक्षा रही कि वंड छको, यानी कि मिल बांट करके भोग ग्रहण करो। जो कुछ भी हमने पाया है, जो कुछ भी हमने अर्जित किया है, हमें अपनी उस कमाई हुई संपत्ति का दान करना चाहिए। किसे दान करना चाहिए? तो उन्होंने बताया, जरूरतमंद को। जो भी समाज में जरूरतमंद हमें लगे, जिसको भी उनकी जरूरत है, जिसके पास भी जीवन जीने के आवश्यक साधन, आवश्यक सामग्रियां नहीं है, हमें अपनी कमाई में से उनके लिए जरूर उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। इस तरह से हर महापुरुष की वाणी, हर महापुरुष की शिक्षाएं हम सभी को अपने जीवन को सम्यक नजरिया देकर के आगे बढ़ने के लिए एक दिशा प्रदान करती है। लेकिन हम सभी लोग कितने संकुचित दृष्टिकोण वाले हैं। हम लोग तो ज्ञानियों की वाणी को, जो उन्होंने बताया कि यहाँ कोई अलग अलग नहीं है, हम सब एक हैं, ऐसी एकता और समानता की बात बताने वाले ज्ञानियों में भी हम तो भेदभाव करते हैं। हम उनको भी
पाठ देते हैं उनको भी अलग अलग धर्मों के नाम पर अलग अलग जुदा जुदा समझने लग जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ अपने महापुरुषों की बात करनी चाहिए, हमें सिर्फ अपने धर्म की बात करनी चाहिए और जो हमारे धर्म में महापुरुष हुए हैं हमें सिर्फ उनकी वाणी का प्रचार करना चाहिए, उनकी वाणी का ही प्रसार करना चाहिए, उनकी बातों को ही लोगों को बताना चाहिए। दूसरे धर्म वाले, दूसरे धर्म के जो महापुरुष हुए उनकी बातों को, उनकी वाणी का हमें प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए, उनकी बातों से हमें क्या, हमें उनकी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये दृष्टिकोण क्या सम्यक है या फिर ये दृष्टिकोण सिर्फ हमारी छोटी संकुचित मानसिकता और हमारे मिथ्या अभिनिवेश को ही दर्शाता है जो कि सिर्फ अपनी अपनी बात करना चाहता है। लेकिन हकीकत में तो देखा जाए तो इस दुनिया के अंदर कहीं कोई भेदभाव है भी नहीं, यह सब सिर्फ हमारी कल्पित मानसिकता है, ये सब हमने कल्पित किए हैं। स्वामी राम ने कहीं पर कहा है कि कल्पित है ये सब, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है, वरना इस दुनिया में सब कुछ जहाँ भी मैं देखूँ सब में मुझे मैं ही मैं नज़र आता है, यानी सब मुझे आत्मवत नज़र आते हैं। यही बात कबीरदास जी ने कही। जितने भी ज्ञानियों का अनुभव हम देखें तो उन सभी का अनुभव यही रहा कि हम सब एक है, इस सृष्टि के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर असल में कोई भेदभाव नहीं है, भेदभाव सिर्फ हमारी बुद्धि के अंदर है, वरना इस संसार में कोई ऊंचा कोई नीचा, कोई अमीर कोई गरीब, कोई अच्छा कोई बुरा, कोई श्रेष्ठ और कोई तुच्छ, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। आओ आज कार्तिक मास की पूर्णिमा को, गुरु नानक देव की जयंती पर उनकी शिक्षाओं से हम भी ये शिक्षा ग्रहण करें कि हम भी अपनी संकुचित मानसिकता का त्याग करेंगे और विराट दर्शन को अपनाएंगे, विराट नजरिए से इस जीवन को देखेंगे, सभी प्रकार के भेदभाव से मुक्त होंगे, सभी के प्रति समान दृष्टि अपनाएंगे, सभी को आत्मवत महसूस करेंगे। जब हमारा नजरिया, जब हमारा दृष्टिकोण विराट हो पाएगा तभी तो हमें हमारे विराट स्वरूप का दर्शन होगा, हम भी फिर अपने भीतर रहे परमात्मा को देख पाएंगे। हम सभी अपने भीतर मौजूद परमात्मा का दर्शन करें, विराट दर्शन हम सब के भीतर प्रकट हो, यही शुभाशंसा। ओम शांति, जय हो, जय हो, जय हो।